Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel। Python programming सीखने की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है if else condition। if else condition means यानी हम कंडीशन उस वक्त लगते हैं, मिसाल के तौर पर अगर ये सही हुआ तो ये प्रिंट कर दो, अगर ये गलत हुआ तो दूसरा प्रिंट कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव ए वेरिएबल ए एंड बी, दो वेरिएबल मेरे पास हैं। अब मैं इधर कंडीशन लगाता हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी ए जो है ना बड़ा हो बी से, तो क्या प्रिंट हो, प्रिंट ए इज़ ग्रेटर, ए इज ग्रेटर एल्स। अगर ये कंडीशन गलत हुआ तो एल्स के, अगर इफ़ के अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू हुआ तो इफ़ ब्लॉक पर प्रिंट होगा, अगर इफ़ जो है ना फॉल्स हुआ तो वो टर्मिनेट होगा एल्स के अंदर और एल्स ब्लॉक को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना ए इज़ ग्रेटर देन बी दैट इज़ नॉट ट्रू, यानी 34 इज़ ग्रेटर देन 65 ये तो गलत है, तो इफ़ ब्लॉक जो है ना प्रिंट नहीं होगा, एल्स के अंदर आके एल्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हो गया एक कंडीशन। एक और हमारे पास है इफ़ एल्स इफ जो है ना हम C++ के अंदर इस्तेमाल करते थे, अभी यहाँ पाइथन के अंदर जो है ना एल्स इफ की जगह एलिफ, एफ को क्या कहते हैं एलिफ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव वेरिएबल ए बी एंड सी, ठीक है, ए के अंदर 33 स्टोर है, बी के अंदर 65 स्टोर है, सी के अंदर 75 स्टोर है। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, अगर ए जो है ना ग्रेटर हो बी के और ए सी से भी ग्रेटर हो तो क्या होना चाहिए, ए इज़ ग्रेटेस्ट, ए इज़ ग्रेटेस्ट एलिफ, बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, अगर जो है ना बी ए से भी बड़ा हो बी सी से भी बड़ा हो डेट मीन्स बी इज़ ग्रेटेस्ट। अगर ये दोनों ना हो तो ये एल्स में आएगा, तो ये ऊपर वाले अगर दो कंडीशन जो है ना अगर फॉल्स हुआ, ऊपर वाले दो कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो ये एल्स में आके जो है ना एल्स ब्लॉक को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक हो गया, अब यहाँ हमारे पास जो है ना इफ कंडीशन, इफ़ वाले ब्लॉक भी क्या है, इफ़ कंडीशन, इफ़ के अंदर भी कंडीशन फॉल्स है, एलिफ वाले कंडीशन में फॉल्स है क्योंकि बी इज़ ग्रेटर देन सी तो नहीं है ना। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर मींस ये जो है ना दोनों कंडीशन ट्रू होना लाजमी है तभी जो है ना इस ब्लॉक के अंदर आएगा, अगर यहाँ पे और ऑपरेशन होता तो इसके अंदर एक भी कंडीशन अगर ट्रू होता तो ये जो है ना ब्लॉक प्रिंट कर देता। ठीक हो गया, अब इसके अंदर कुछ ऑपरेटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ये इक्वल डबल इक्वल टू मींस यानी असाइन, एक इक्वल टू आए तो असाइन, अगर डबल इक्वल टू आए तो वो इक्वल टू वाला। ठीक हो गया, इसमें लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एक ये जो है ना हमारे पास ऑपरेटर्स है। तो इसके लिए हम एक यहाँ मैंने प्रोग्राम तैयार की है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास चार टीम है, उस चार टीम में से जो है ना दो ने जाके फाइनल खेलना है, उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम मैं भी तैयार करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने जो है ना जो चार वेरिएबल में लेता हूँ उनके वैल्यू जो है ना मैं यूज़र से लूँगा। ठीक हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर वन ये हमारे पास टीम वन है, ठीक है, इनपुट इंटर नंबर वन, जब जो वेजर यूज़र से जो है ना कोई वैल्यू इंटर करेगा या वेजर यूज़र से वैल्यू लेगा तो वो जो है ना बिहेव करेगा एज अ स्ट्रिंग, तो उसको जो है ना इंट टाइप में कन्वर्ट करने के लिए टाइप कास्टिंग करना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इंट। नंबर टू इंट इनपुट सेकेंड नंबर, नंबर थ्री इनपुट थर्ड नंबर फोर्थ नंबर, चलो अभी मैं ये दोबारा एग्जीक्यूट करके देखूँ। इंटर नंबर वन, वन में मैंने वन पुट किया, टू में मैंने टू पुट किया, थ्री में मैंने थ्री पुट किया, फोर में फोर पुट किया। अब यहाँ पे कंडीशन मैंने लिखी हुई है इफ़ एन वन इज नंबर वन और नम वन एंड नम फोर, ये दो टीम जो है ना आपस में सेमीफाइनल खेलेगा, नम टू एंड नम थ्री जो है ना आपस में खेलेगा, अब जो
इन दोनों में से जीतेगा वो फाइनल पहुंचेगा, और ये दोनों में जीतेगा वो फाइनल पहुंचेगा, वो दोनों जो है ना फाइनल खेलेगा, जो जीतेगा वो चैंपियन होगा। उसके लिए मैंने ये प्रोग्राम लिखी है। इफ़ नम वन इज़ ग्रेटर देन नम फोर, इस ये टीम जो है ना ग्रेटर हो इससे, तो फाइनल में कौन सा पहुँचे, एफ वन, यानी ये फर्स्ट राउंड वाला है, तो एफ वन रखा मैंने, एफ वन इक्वल टू नम वन, ठीक हो, अगर नम वन ग्रेटर हो, अगर ऐसा ना हो तो एल्स में आएगा, यहाँ एल्स में आएगा एफ वन इक्वल टू नम फोर, यानी फाइनल में कौन जाएगा, नम फोर जाएगा। अब ये एन नम टू एंड नम थ्री आपस में खेलेगा, तो उसके लिए ये कंडीशन लिखी है, इफ़ नम टू इज़ ग्रेटर देन नम थ्री, तो क्या हो, एफ टू मीन्स सेकेंड राउंड में जो फाइनल पहुँचेगा वो वेरिएबल है, ठीक हो गया, एफ टू इक्वल टू नम टू। अगर ऐसा ना हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो कहाँ आएगा, एल्स के अंदर आके ये एग्जीक्यूट होगा, एफ टू इक्वल टू नम फोर, तो नम फोर यहाँ से क्या होगा, फाइनल में पहुँचेगा। अब इसके लिए मैंने आगे यह कंडीशन लगाई है, इफ़ एफ वन इज़ ग्रेटर, अब ये हमें इन टीमों में से एक टीम निकलना है फाइनल में, इन टीमों में से एक टीम फाइनल में निकलना है, वो दोनों ने खेलना है फाइनल, ठीक है। अब जो है ना यहाँ से मिसाल के तौर पर एक फाइनल टीम आ गया, इधर से एक टीम आ गया, तो इफ इफ कंडीशन क्या है, एफ वन इज़ ग्रेटर देन एफ टू, यानी फॉर राउंड वन वाला अगर ग्रेटर हुआ राउंड टू वाले से, वो वाली टीम से, ठीक है, तो एफ वन चैम्पियन होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स के अंदर आके एफ टू चैम्पियन होगा, ठीक है। एफ वन इज नॉट डिफाइंड, इफ़ एफ वन इज, अच्छा ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या, ये एफ टू इज चैम्पियन, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमने वैल्यू जो है ना एफ टू, ये एफ टू कौन सा था, नम फोर था ना यहाँ पे एफ टू, ठीक है, तो वो सबसे बड़ी वैल्यू है, इसीलिए जो है ना एफ टू इज़ ए चैम्पियन यहाँ पे प्रिंट हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह।